जिला में मेलों, छिंजों व लंगरों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। यानी जिला भर में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं हो सकेगा। वर्तमान में जो मेले चल रहे हैं उन्हें 23 मार्च तक निपटाना होगा। इसके अतिरिक्त 25 मार्च से गए उपरांत सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर आदि के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। ये आदेश डीसी देवश्वेता बनिक ने जारी किए। हमीर भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि संबंधित स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि नियमों की अवहेलना ना हो। साथ ही कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे। इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50% लोग ही आ सकेंगे। देवश्वेता बनिक ने कहा कि बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते सरकार के नई नियमों के तहत जिला में भी नो मास्क नो सर्विस कैंपेन मुहिम को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबको मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और जरा भी डील अब इनमें नहीं होगी। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस आई हैं कोविड-19 की महामारी का सेकेंड वेव को रोकने के संबंधित, उन सभी के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो सभी से साझा की है। इसमें जो है मेलों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और गैदरिंग्स जो भी कोई प्राइवेटली ऑर्गेनाइज करना चाहे उसके लिए भी प्रायर अनुमति के प्रावधान रखा गया है। उसके बगैर जो है वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। और ऑनलाइन जो एक एप्लीकेशन बनाया गया था जिसके माध्यम से सभी ने पहले अपनी, चाहे शादियां हो, जागरण हो या कोई और भी इवेंट हो, उसके लिए परमिशन लिए हैं, तो उसी माध्यम से जो है फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नो मास्क नो कैंपेन का जो एक आईसी कैंपेन है कोविड के नियमों के पालन के बारे में लोगों को फिर से जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए, वो हमारे जिले में शुरू किया जा रहा है। और सभी से अनुरोध है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का प्रयोग, हाथ धोते रहना और उचित दूरी बनाए रखना, इस तरह के जो बिहेवियर है उनका पूर्ण रूप से पालन करें।